नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। अभी बिहार के राजनीतिक समीकरण में जो बदलाव आ रहे हैं कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आ जाने से, जो दो जगह जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार के आ जाने से जो युवा वोटर्स हैं वो उनके पक्ष में आएंगे। तो आज इन्हीं सब जो मुद्दे हैं इन सब के बारे में आज हम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह से बात करेंगे और क्या कुछ इस विषय में वो कहना चाहते हैं। देखिए, युवाओं का प्रेरणा स्रोत बिहार में चाहे पूरे देश में विवेकानंद जी हुए हैं, जिग्नेश और कन्हैया कुमार नहीं हो सकते हैं। ये अयाशों के आदर्श हो सकते हैं, ये जो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का आदर्श हो सकते हैं, इस देश के युवाओं का नहीं हो सकते हैं, नौ निहालों का नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है कांग्रेस का मरा हुआ जमीर कैसे जग गया, ये आश्चर्य की बात है। जमीर कितना दिन जगा रहता है ये आश्चर्य की बात है। जो कांग्रेस राजद के सामने कटोरा लेकर के घूमता था उसको शर्म करनी चाहिए कि उसी कटोरे में नाक बुड़ाकर एक बार ट्राई करना चाहिए कि दम घुटता है कि नहीं। वो कांग्रेस वोट कटवा बना हुआ है कि चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिहार की जनता आज भी उसको शंका और संदेह के घेरे में देता है और देखता है। 70 सालों तक इस देश को बर्बाद करने वाला कांग्रेस आज बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया है। महागठबंधन जो सियासी कलाकारों का गठबंधन था, आदरणीय लालू प्रसाद जी भिखारियों को केस कटवाकर नहलवाकर सब्ज बाग दिखा करके चारा घोटाला कर गए और होटवार का शोभा बढ़ाए। उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कभी बाढ़ में जाकर के जिलेबी बांट करके फोटो खिंचवाते हैं, कभी उड़न खटोला पर जन्मदिन मनाते हैं, कभी जो है 1.5 लाख का जूता पहन करके 1.25 लाख का कपड़ा पहन करके और गरीब मछुआरे के बच्चों के साथ बंसी खेलते हैं और एक मछली पकड़ लेते हैं और उसको दिखाते हैं लोगों को कि मैं फिर ऐसे ही बिहार में मछली पकड़ूंगा। मतलब बिहार के जनता मछली है, वोट को वो मछली समझते हैं। तो जिसका सिद्धांत मछली हो, जो फंसाना जानता हो, तो बिहार में वो फिर इस चुनाव के बाद एक मौल उनकी खड़ी हो जाएगी। तो वो घोटाला सम्राट लोग है। तो ये सियासी घोटालों का आडंबर है, सियासी कलाकार है। जैसे रंगमंच पर नाटक करने वाले कलाकार होते वैसे सियासी कलाकार हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। ये जो हैं लोभ से फंसाने वाले लोग हैं और ये जनता को ठगने वाले लोग हैं। बिहार में ये अपने बेटा को विकास नाम देकर के लोगों को कहते हैं कि मैंने विकास कर दिया। ये विकास करने वाले लोग नहीं है, जनता को ठगने वाले लोग हैं, बिहार को विनाश के कगार पर ला करके छोड़ने वाले लोग हैं। कन्हैया कुमार एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे हैं, तो इस तरह के युवा पीढ़ी का कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका रुझान कन्हैया कुमार के ऊपर ज़्यादा जाएगा? दुनिया का कौन कंपटीशन कन्हैया कुमार ने फेस किया है? एक होटल में जिस पर उनको FIR हुआ था, जो कंपटीशन दिए थे अयासी का, उसी का हेड ऑफिस है वो जो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा हुआ था। ये सब जो हैं इस देश के नौजवानों का आदर्श नहीं हो सकते हैं। ये देश का अगर आदर्श होंगे तो समझिए कि इससे विभिन्न आदर्श नहीं हो सकता है। इस देश का आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं, इस देश का आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस देश का आदर्श ऐसा नहीं हो सकते हैं। इस देश ये ऋषि मुनियों का देश है। इस देश का आदर्श योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं, इस देश का आदर्श कन्हैया कुमार और जिग्नेश नहीं हो सकते हैं। आपका ये सही है कहना। आज मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। आज कन्हैया कुमार आने वाले थे, एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर जनता ने कार्यकर्ताओं ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये सवाल कर दिया कि आप लोग सत्ता का खेल खेल रहे हैं और उसमें बार बार बिहारी को अपमानित होना पड़ता है, यानी कि बाहर में जाकर वो लोग बाहर के हैं, बाहर में बिहारियों के साथ जो बिहारी मजदूर करते आ रहे हैं, बिहारी मजदूर के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, कभी उसकी सत्ता आती है तो वो उस पर कलम कसता है और उसकी सत्ता आती है तो वो उस पर। एक समय था कि गुजरात में हार्दिक पटेल ने बिहारियों पर क्या बोला था और वैसे लोगों को बिहार में
घुमाने का काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी, तो सोचिए कि बिहारियों को क्या दिखा रहा है, वो आईना या कुछ और। तो कांग्रेस पार्टी और राजद से कभी आप फक्र का उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये ठगने का काम करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सियासी कलाकारों की पार्टी है ये, ठगने का काम, ये देश बांटने का काम किया है, ये बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। कहीं भी बिहार को इन्होंने आबाद नहीं किया है। ये एक चीज बताइए, एक समय था कि यहां से किशनगंज जाना होता था तो 2 दिन लगता था, आज 6 घंटा में लोग पहुंचते हैं। तो बिहार का विकास का गंगा बहाए हैं श्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने। बिहार में एनडीए सरकार आई है तो लोग बिहारी कहीं भी जाते हैं तो फख्र से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। आज वो भी कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, जो बिहार के रहने वाले बड़े महागठबंधन के भी नेता हैं। लेकिन जब इसी महागठबंधन के लोग, जब उनका शासन था तो कहते थे कि यहाँ तो अपहरण उद्योग चलता है, जंगल राज है, वही खुद कहते थे, कोर्ट कहती थी। तो हम लोग उस पर नहीं, बिहार की जनता सब समझती है, ये जब पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक ने ही ऐसा सवाल किया है कि जब उनकी सत्ता आती है तो वो उस पे कमान कसते हैं और उनकी सत्ता आती है तो वो दूसरे पे कमान कसते हैं। उनका ही ये मानना है कि जो बिहारी मजदूर हर जगह ऐसा क्यों कहा जाता है, बिहारी मजदूर के लिए वो लोग कुछ करते क्यों नहीं है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो हर जगह रोजगार को लेकर स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं घेराव करते रहते हैं। देखिए, एक बात क्लियर है कि इस देश में एक मजबूत जनसंख्या नीति होनी चाहिए। जनसंख्या नीति जब होगी तो देश का आबादी रुकेगी, एक सुदृढ़ शिक्षा की व्यवस्था होगी और रोजगार डेवलप होंगे। बिहारी मजदूर राजद के काल में जो पलायन किए, उद्योग नहीं था, यहाँ पर अत्याचार था, उसके डर से जो हुए, उनका एक पीढ़ी गुजर गया बाहर में, वो वहाँ रहने लगे, वहाँ पर वो पैदा लिए और वहीं पर नौकरी करने लगे जवान होकर के। वो कोरोना संकट में जब बिहार में आए तो बिहार में एक्स्ट्रा आबादी की दबाव बढ़ा, जिसके चलते थोड़ा कोरोना संकट में हौच मौच की स्थिति हुई थी। ये सब आदरणीय लालू प्रसाद जी की देन थी, इसको सब लोग जानता है। आज बिहार हम जितना बन सकता है बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। आज की काल परिस्थिति रहती तो ये लोग क्या किए हुए रहते अभी तक जनता सोच नहीं सकती है। ये सिर्फ शब्द बाग दिखाने वाले लोग हैं, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया और जो लोग कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर, और कन्हैया कुमार के जो कांग्रेस में मिल जाने को लेकर उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की, और साथ ही साथ जो बिहार में बेरोजगारी है और बिहार मजदूर जो बाहर में इस तरह से सुनते हैं बार बार कि बिहार मजदूर और उन्हें कहीं ना कहीं वो खराब लगता है, तो इसके बारे में भी इन्होंने कहा है। और साथ ही साथ इन्होंने चुनाव को लेकर भी इन्होंने कहा है कि बिहार की जनता सब कुछ जानती है, क्या कुछ हो रहा है, बिहार में कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है ये बिहार की जनता ही तय करेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।